अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें अब हम लोग मियामी में मैं एंटर हो रही हूँ, ये आप देखते जाएं। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि ये देखें आपने कितने बड़े बड़े पाम ट्रीज थे जो कि एक ट्रक के ऊपर लेके जा रहे थे। मैं इनकी अलहदा से वीडियो आपको दिखाऊंगी कि यहाँ अमेरिका में जो इतने आपको दरख्त नज़र आते हैं, इतनी ग्रीनरी नज़र आती है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दरख्तों को ला के उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और वो पता ही नहीं चलता कि वो जो दरख्त हैं आपने कई साल पहले लगाए हैं या अभी आपने ला के लगाए हैं। ये देखिए आपको कितनी ग्रीनरी नज़र आ रही है चारों तरफ ये हाईवे के। ये देखिए अभी हम लोग चूँकि मियामी में एंटर होने वाले हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये हाईवे का ये कवरेज दे रही हूँ अपनी वीडियो में ताकि आप लोग देखें। ये देखिए एक ब्रिज से हम लोग क्रॉस करें। ये गाइस, ये हर चीज़ जो है ये आपके मुल्कों में मौजूद है, इसी तरह आपकी मोटरवेज हैं, इसी तरह ये सब कुछ ब्रिजेस हैं। ये देखें, ये मैं आपको गोइंग टूवर्ड्स मियामी आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ और इसका व्यू देखते जाएं। ये जो है आपको मैं बार बार दरख्तों की बात करती हूँ, दरख्त लगाने की, ग्रीनरी की बात करती हूँ गाइस, तो ग्रीनरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखें किस कदर दरख्त यहाँ लगे हुए आपको नज़र आएंगे और किस कदर ये ग्रीन नज़र आएगा आपको, हर जगह यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आएगी। उसकी वजह ये, अगर ग्रीनरी नहीं होगी तो आबो हवा भी यहाँ की क्लीन नहीं हो सकती। ये देखिए दरख्तों को आप देखते जाएं, ये किस कदर दरख्त हैं और कितने ये ग्रीन है, लश ग्रीन ये आपको दरख्त और घास नज़र आ रही है। तो गाइस, ये सब चीज़ें आपके मुल्कों में हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए और आपकी जनरेशन के लिए ज़रूरी है। और उस जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है, ग्रीनरी है, ग्रीन ट्रीज है और ये ग्रास है। और ये देखें इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ग्रीनरी है ये आपके सारे के सारे स्मॉग जो है, जिन मुल्कों में गाड़ियों में से बहुत धुआं निकलता है, स्मॉग निकलता है और वो सांस में जाके लोगों को बीमार कर रहा है, ये ग्रीनरी उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि उसको ग्रीन बनाए। और ये ग्रीन बनाने के लिए आप लोगों को, हर बंदे को ये जो है अपने आप से ऐद करना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। गाइस, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। हर जो शहरी है, हर सिटीज़न जो है, जिस मुल्क से भी आप लोग मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आप मेरी ये वीडियोज़ देख रहे हो, डॉक्टर नायला के व्लॉग्स देख रहे हो, डॉक्टर नायला के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो अमेरिका में और डॉक्टर नायला आपको अभी सिर्फ फ्लोरिडा स्टेट दिखा रही है जिस स्टेट में वो खुद रहती है। गाइस, मैं जो आप लोगों को बात कह रही हूँ ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप अपने मुल्कों को ऊपर नहीं उठा सकते। ये देखें कितनी ग्रीनरी है, लश ग्रीन है, ट्रीज़ हैं। ये देखें कैसे यहाँ पे ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैं क्रॉस कर रही हूँ हाईवे से, अभी मैं मियामी में एंटर नहीं हुई हूँ। ये आप साइंस देख लें, ग्रीनरी देख लें, ट्रीज़ देखें, ये ज़रा इस तरफ के कितने खूबसूरत ये दरख्त लगाए गए हैं। और ये दरख्तों का बेसिक आइडिया ये है कि ये आबो हवा को साफ़ करते हैं और जो इंसान सांस लेते हैं उसके अंदर ये गर्दों को बाहर जो है नहीं जाता, ये एयर को क्लीन करते हैं। ये देखें, आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री यहाँ पे काम नहीं कर सकती, ये एनवायरमेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो है सब्स और हरे दरख्त और ग्रीनरी। गाइस, आप में से हर बंदा जो सिटीज़न है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने से, किसी भी मुल्क से मुझे देख रहा है, तो वो उस मुल्क का एक किस्म का, वो मुल्क उसका है गाइस। वो मुल्क जो है, जो बंदा जिस मुल्क में रह रहा है वो उसको ओन करता है, उस मुल्क को ओन करता है। इसलिए आपको अपने मुल्कों को ऊपर बढ़ाने के लिए खुद इनिशिएटिव लेने होंगे। देखिए ये छोटे छोटे, मैं भी पिटती मर गई हूँ अपने गाँव में अपने मैनेजर्स को, खुदा के लिए दरख्त लगा लो, खुदा कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। अब शायद जो मेरी वीडियोस हैं इनको देख के वो ये वाकई समझे कि भाई अब स्मॉग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये जो पिट रही है हमारी बहन जो आती है यहाँ पे और ये कहती है कि खुदा के लिए दरख्त लगाओ और इस मुल्क को हरा बनाओ और अपनी सेहत का ख्याल करो। ये देखिए गाइस, ये दरख्त आप देखें कि किस कदर खूबसूरत ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। ये इस वक्त मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्लोरिडा से मियामी की तरफ और ये देखें कि आप लोगों को ये नज़र आएगा कि सब चीज़ें आपके मुल्कों में हैं, ऐसी कोई चीज़ भी अमेरिका में नहीं है जो आपके मुल्कों में नहीं है। आप लोग खुद आगे बढ़ के उसको खूबसूरत बना सकते हो, अपने मुल्क को अपना छोटा सा, अपने मुल्कों को अपना घर समझें गाइस, उसमें गंदगी, उसमें सफाई, उस सब का जो है ना उसका ख्याल करेंगे। देखें, जब डॉक्टर नायला एक साल पाकिस्तान में रही तो उसकी ये
कोशिश होती थी कि वो जो अपने वालदैन का घर में वो बहुत साल बाद गई और जो बंद पड़ा हुआ था उसकी कोशिश होती थी कि वो सड़क से जो कागज बिखरे हुए उनको वो सुबह उठ के चुनती होती थी। ये देखें मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और सब जो मेरे हमसाए थे इधर उधर वो परेशान होते थे कि कौन सी ऐसी डॉक्टर है जो अमेरिका से आई है और जो सड़कों के ऊपर गिरे हुए जो लिफाफे हैं उनको ये जो है पिक कर रही है स्टिक से। तो गाइस वो मैं जो जब ट्रैवल करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरा ज़िम्मा एक सफाई का ज़िम्मा होता है। ये देखें क्योंकि वो मेरा मुल्क है गाइस, मुझे उसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। शर्म मुझे उस वक्त महसूस होती है जब मैं देखती हूँ कि वो सड़कें टूटी हुई हैं। गाइस ये सड़कें बनाना हुकूमत का काम है और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अपने सारे पॉलिटिशियंस को और अपने जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए कि प्लीज़ खुदा के लिए जो सड़कों का बजट देते हैं उन भी ऑनेस्टी देखें और ये जो टेंडर्स देते हैं आप रोड्स को बनाने के लिए उसमें ईमानदार लोगों को आगे लाएं। ये देखें कितने खूबसूरत गाइस ये दरख्त है। आज मेरा सारा ये सब्जेक्ट जो है आपको दरख्त दिखाने का है। ये देखें किस कदर खूबसूरती है और किस कदर ग्रीनरी है गाइस, ये दरख्तों को आप देखते जाएं। ऐसे दरख्त जो है आपको आप खुद हैरान होंगे कि ये दरख्त जो है इतने ग्रीन करने में और इनको आगे करने में कितनी ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। गाइस ये जो ग्रीनरी है आपके मुल्क को बहुत साफ सुथरा कर सकती है, आपकी नस्लों को आगे बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। गाइस ये देखें मैं डॉक्टर नायला जो है वो मैं अपने सारे भराओं को बेटों को खुदा के लिए मैं पंजाबी बहुत फ्लुएंट बोलती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक एक गांव से है। मैं आप लोगों से कहती हूँ ए देखो दरख्त देखो, ए देखो इस तरह जाके दरख्त लगाओ, अपनी सड़कों के गिर्द लगाओ, अपने आस पास लगाओ, अपने घर के बीच लगाओ। ए देखो कितने खूबसूरत ये दरख्त हैं गाइस। मेरा जो बेसिक आइडिया जो है जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ये आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये मेरी इसमें बड़ी एनर्जी लगती है जब मैं बोलती हूँ गाइस। मैं इस तरह जो है आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही दिखा रही हूँ जैसे आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप किन किन चीज़ों से अपने मुल्कों को ऊपर ले जा सकते हो। ये देखो कितनी खूबसूरत इन्होंने ग्रीनरी जो है इन्होंने या दरख्त और ये हेजिस वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखते जाएँ आप सफ़र में और आपको हाईवे पे कोई भी छोटी गाड़ी नज़र नहीं आएगी, जैसे कि मैंने आपको कहा है यहाँ इनकी बड़ी बड़ी कारें चलती हैं और नए जो हैं वो गाड़ियाँ होती हैं हाईवे के ऊपर। ये कोशिश करते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ ही इस्तेमाल की जाएँ। ये देखें गाइस ये दरख्त और ग्रीनरी को हम देखें और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि इन गोरों ने कितनी मेहनत से ये दरख्त लगाए होंगे। आप लोग तो फिर किसान हो, आप लोगों के मुल्कों में जो 75% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है। गाइस मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मैं तो खुद जाके वहाँ रोती हूँ, अपने मैनेजर को कहती हूँ खुदा के लिए ये तुम लोग क्यों मेरी बात नहीं सुनते समझते हैं। ये देखें गाइस ये इस वक्त GPS चल रहा है क्योंकि डायरेक्शंस के लिए हमें GPS चाहिए। ये देखें गाइस ये दरख्त आप देखते जाएं वे टू मियामी। ये देखें ये मोटरवे पे मैं जा रही हूँ इस वक्त। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने कुछ इससे जो है चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि ये जो मुल्क होते हैं ये तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बनते हैं। हर बंदे ने इसमें एफर्ट्स की होती है। गाइस आपका क्या ख्याल है कि दरख्त खुद ही उगे हैं, ये उग नहीं गए हैं, ये लोगों ने आके इमिग्रेंट्स ने मेहनत दिन रात की है इन मुल्कों को ऊपर उठाने के लिए। तो क्या आप लोग जिस मुल्क से भी मुझे देख रहे हो आप अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए ये दरख्त और ये जो ग्रास है ग्रीनरी है ये नहीं लगा सकते? गाइस ये आप लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने मुल्क को ऊपर उठाना है गाइस तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपका और आपके बच्चों का क्या फ्यूचर है और आपके मुल्कों में हर चीज़ हर नेमत वहाँ पे मौजूद है। गाइस आपके बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, खूबसूरत मुल्क है। हाँ उस खूबसूरत मुल्क को बनाने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो आप लोगों को चाहिए, वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। अगर डॉक्टर नायला अमेरिका से जाके पाकिस्तान में सड़क के ऊपर से कागज़ चुन सकती है तो गाइस आप लोग क्यों नहीं इन चीज़ों का ख्याल रख सकते? हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं किसी भी डेवलपिंग नेशन की, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक सिर्फ मेहरबानी आवाम पे कर दें, दुनिया पे कर दें कि जो रोड्स बनाए वो बहुत अच्छी बनाए और उनके नीचे जो सीवरेज सिस्टम है स्वेज सिस्टम है उसको सही बनाए। ये देखिए गाइस ये इस साइड से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ग्रीनरी, इट्स ऑल अबाउट ग्रीनरी गाइस। आपकी हेल्थ जो है आप सिर्फ हेल्दी रह सकते हैं अगर आपके पास ग्रीनरी है। तो जो आपके एग्रीकल्चर से जितने मेरे भरा मेरे बच्चे
बच्चे, मेरे बेटे जो मेरी ये वीडियो देखोगे वो देखोगे डॉक्टर नाला चीख चीख के तुम्हें कह रही हूँ, खुदा दे वास्ते दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, इसको हरा बनाओ मुल्क को, मुल्क में से ये जो स्मॉग है और ये जो धुआं है इसको कम करो। हर मुल्क का जो भी मुझे मेरा व्यूअर देख रहा है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग सारे मिलके एफर्ट्स करें और ये ग्रीनरी का जो है कॉन्सेप्ट इसको आप करें, आप दरख्त लगाएं अपने मुल्कों में। आप ये नहीं समझेंगे ये जो मुल्क है ये आपके पॉलिटिशियन का, ये आपका मुल्क है, आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी है। गाइस, जब तक आप ये कंसेप्ट लेके आगे नहीं निकलोगे कि ये मुल्क हमारा है, हम इसको ओन करते हैं, हम मालिक हैं इस मुल्क के, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस कि अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, उसको उठाएं, अपनी सोच को बदलें। गाइस, जब तक सोच नहीं बदलेगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। ये देखें, मैं आप लोगों से बार बार ये कह रही हूँ, मैं अगर आप खुद मुझसे पूछो तो मेरे अपने जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, जो मेरे वालिद साहब की एग्रीकल्चर ज़मीन है पाकिस्तान में, उसमें भी यही हाल है कि वहाँ पे कोई शख्स, कोई मेरा मैनेजर, कोई हिल के काम करने को तैयार नहीं है। ये देखें गाइस, ये इस मुल्क को, अगर आपने किसी भी मुल्क को, चाहे वो कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, उसमें अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा कि ये जो अमेरिका में इतने इमिग्रेंट्स आए हैं उन्होंने किस तरह मेहनतें की हुई है। ये देखें, यहाँ पे कोई भी जो है आपका प्रोफेशन जो है वो बुरा नहीं समझा जाता। ये देखें ये किस कदर ग्रीन है, और आप लोगों को खुद एहसास होगा मेरी ये वीडियो देख के कि डॉक्टर नायला जो आपसे अब रिक्वेस्ट कर रही है वो कह रही है कि आप ये ग्रीन ट्रीज लगाएं। तो प्लीज़, इसके साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। मैं मियामी के करीब पहुँच रही हूँ और फिर वहाँ जाके मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो पोस्ट अपलोड